नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेजबान न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम पर शिकंजा कस लिया है। उसने पहले तो टीम इंडिया को महज 165 रन पर समेटा, भारत का कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना पाया। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने बॉलिंग के बाद बैटिंग भी अच्छी की, उसने महज 2 विकेट गंवा कर ही भारत के स्कोर को पार कर लिया। मेजबान दक्षिण अफ्रीका को शुक्रवार को अपने टी20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने उसे 107 रन से करारी शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वॉन्डर्स स्टेडियम में खेला गया यह मैच कई रिकॉर्ड लेकर आया। पूनम यादव की घातक गेंदबाजी से भारत ने शुक्रवार को महिला टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में धमाकेदार प्रदर्शन कर 4 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हरा दिया। भारत ने ग्रुप ए के इस मुकाबले में दीप्ति शर्मा के 49 रनों की मदद से 4 विकेट पर 132 रन बनाए। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एशिया 11 टीम के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कप्तान विराट कोहली समेत 3 खिलाड़ियों के नाम भेजे हैं। विराट कोहली के साथ शिखर धवन, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव का नाम इसमें शामिल है। सचिन तेंदुलकर के विदाई मैच में मैन ऑफ द मैच रहे लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इसकी घोषणा शुक्रवार को की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।